तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती देश भर में मनाई जा रही है और आज प्रदेश में भी शासन सचिवालय में कार्यक्रम और कुछ ही देर में सीएम भी पहुंचेंगे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वहां पर पहुंच चुके हैं और आज देश के दो महान शख्सियत का जन्मदिन है, मोहनदास करमचंद गांधी जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज का ये आयोजन सचिवालय में रखा गया है। गांधी जी ने जहां सादगी, स्वच्छता, सामाजिक समरसता, अस्पृश्यता और देश को आगे बढ़ाने, देश को एकजुट करने में अपना योगदान दिया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 के भारत पाक युद्ध के समय जिस दृढ़ता का परिचय दिया, उन विपरीत परिस्थितियों में जब भारत में अन्न की कमी थी और अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि तुरंत युद्ध बंद कीजिए वरना हम आपको अन्न की आपूर्ति रोक देंगे, उस परिस्थिति में भी वो झुके नहीं, डटे रहे और उन्होंने देश के करोड़ों नागरिकों से आह्वान किया कि देश बड़ी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, हमारे अन्न की कमी है, अमेरिका इस तरह की धमकी दे रहा है। तो मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि अगर वो एक समय भोजन करना शुरू कर दें, एक समय भोजन बंद कर दें, तो हम इस अन्न की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और देश के करोड़ों लोगों ने उनके आह्वान पर एक समय भोजन करने का संकल्प लिया, उसके बाद हरित क्रांति आई और आज भारत अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं है, दूसरे देशों को निर्यात करने की स्थिति में है। तो उन दोनों महान शख्सियत के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें याद करने, उनके आदर्शों को याद करने, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसा कि आपने बताया कि इन दोनों ही नेताओं ने डटकर सामना किया, बहुत संघर्ष किया, साधा जीवन, उच्च विचार का संदेश जनता को दिया है, क्या आज के नेता भी यही विचारधारा फॉलो करते हैं? देखो, अब मैं सभी के बारे में तो क्या टिप्पणी करूं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस दिशा में अपना जीवन यापन करते हैं, उसी उनके आदर्शों पे चलने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग मिलेंगे राजनीति में भी जो पूरी सादगी और पारदर्शिता और जनसेवा के भाव के साथ अपने कर्तव्य को अंजाम देते हैं। आप यूडीएच मंत्री हैं, कैसा कुछ कार्य चल रहा है आपके विभाग में, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो सेवा पखवाड़ा 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक था, स्वच्छता को लेकर, सेवा सप्ताह को लेकर। और दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था एक पेड़ माँ के नाम, और उसको मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा और राजस्थान के साथ जोड़ा, तो हमारे सभी नगर निकायों ने इस दिशा में तेजी से काम किया है और पूरे प्रदेश में लगभग 7.5 करोड़ से ज़्यादा वृक्षारोपण हुआ है। और पहली बार ये प्रयास किया गया है कि सबकी जियो टेकिंग हो और जो वृक्ष आज लगाया जा रहा है, जो पेड़ आज लगाया जा रहा है, उसकी लगातार 3 साल तक देखभाल हो, और अगर किसी कारण उसमें वो जिंदा नहीं रह पाता है तो तुरंत उसकी जगह दूसरा पेड़ रोपित किया जाए और पूरे के पूरे 7.5 करोड़ जितने पेड़ लगे हैं वो वृक्ष बने। इस दिशा में सरकार के स्तर पर, मेरे विभाग के स्तर पर, शिक्षा विभाग के स्तर पर, पंचायत राज के स्तर पर सभी विभागों ने मिलकर काम किया, और अगर 3 साल बाद हम जब देखेंगे कि वो धीरे धीरे वृक्ष के रूप में पुष्पित पल्वित हो रहे हैं, तो हमने पिछले 60-70-80 साल में प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ किया है, आने वाले 6-7 साल में हम बहुत हद तक उसकी भरपाई करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये थे हमारे साथ यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा।